आज की पीढ़ी को भले ही एक नारा याद ना हो, लेकिन 90 के दशक में बीजेपी और हिंदू संगठन से जुड़े समर्थक नारा लगाया करते थे, अयोध्या पहली झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। इस नारे का कनेक्शन मंदिर और मस्जिद के विवाद से था। अयोध्या का फैसला सुप्रीम कोर्ट से हो चुका है और नारे में बाकी जिन दो शहरों का जिक्र था, वहां अब मंदिर मस्जिद का विवाद गर्मा रहा है। काशी में ज्ञानवापी का सर्वे जो कल से शुरू होने वाला है, मकसद मंदिर होने के दावे का सच सामने लाना, और वहीं मथुरा में भी इसी तरीके की मांग हो रही है। तो पहले काशी चलिए और देखिए कि आखिरकार कल जब सर्वे का काम शुरू होगा तो फिर अब आगे क्या होगा। कल से शुरू होने वाले ज्ञानवापी के सर्वे से पहले सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी पहुंचे हैं। वैसे तो योगी का ये दौरा पहले से प्रस्तावित था, लेकिन कल जिस तरह से सर्वे को लेकर कोर्ट ने प्रशासन की भूमिका पर टिप्पणी की, उसके बाद से ये दौरा काफी अहम हो गया। आरोप लगे थे कि जिला प्रशासन सर्वे को सुचारू रूप से कराने में रुचि नहीं ले रहा। इसके बाद कल कोर्ट ने अपने फैसले में आदेश दिया था। कोर्ट कमिश्नर की कार्यवाही की संपूर्ण जिम्मेदारी वाराणसी के डीएम और पुलिस कमिश्नर की व्यक्तिगत रूप से होगी। डीजीपी और राज्य के मुख्य सचिव पूरी कार्यवाही का सुपरविजन करेंगे, ताकि जिले का कोई अधिकारी कार्यवाही टालने का बहाना ना बना सके। साधारण शब्दों में समझें तो कोर्ट ने बहुत बड़ा आदेश पुलिस और प्रशासन को आगे करके राज्य सरकार को दिया था। अब आज उसके लिए प्रशासन ने सभी पक्षों की बैठक बुलाई, जिसके बाद तय हुआ कि कल से सर्वे होगा। इसमें जो कमीशन की कार्रवाई है वो 8 से 12 तक शुरू कराने के लिए कहा गया है। वो कमीशन की कार्रवाई शनिवार को शुरू होगी। उसी कमीशन की कार्रवाई को लेके पक्षकारों को बुलाया गया था कि जो कमीशन की कार्रवाई है उसके दौरान सारे कोऑपरेट करें और शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखें। उसी की बड़ी सौहार्दपूर्ण मीटिंग हुई है और उसमें शांति का संदेश काफी पक्षकारों के द्वारा प्रसारित भी किया गया है। दावा किया जाता है कि ज्ञानवापी में मंदिर तोड़कर मस्जिद का निर्माण किया गया और मस्जिद के नीचे अब भी मंदिर के अवशेष हैं। अब तक जो दावे ज्ञानवापी के तहखाने को लेकर सामने आए, उसके बारे में और जानकारी हमारे सहयोगी अपर्णा से लीजिए। श्रृंगार गौरी मंदिर को लेकर बात ज्ञानवापी मस्जिद तक पहुंची और फिर ये बात शुरू हुई कि मस्जिद के अंदर तहखाने का रहस्य क्या है। इसके लिए मैं तीन अलग अलग दावे आपको दिखाने जा रही हूँ। पहला दावा पत्रकार साहित्यकार पद्मपति शर्मा का है, जिनका कहना है कि ज्ञानवापी मस्जिद की देखरेख करने वाली संस्था अंजुमन इंतजामिया मसाजिद को भी श्रृंगार गौरी को लेकर एतराज नहीं है, लेकिन वो मस्जिद के अंदर नहीं आने देते क्योंकि तहखाने में विश्वनाथ जी का गर्भगृह है। तो वहीं मंदिर के पुजारी सोमनाथ व्यास के परिवार ने मस्जिद की बैरिकेटिंग से पहले उस गर्भगृह को देखा था, यानी उस तहखाने को जिसमें मंदिर से जुड़ी चीजें हैं। दूसरा दावा है व्यास परिवार का, जो तहखाने की देखरेख करता है और जिसका दावा है कि 1937 में एक कोर्ट के फैसले के मुताबिक मस्जिद के तहखाने का मालिकाना हक व्यास परिवार को दिया गया था। उनका यह भी कहना है कि प्रशासन की इजाजत से तहखाना वही खोल सकते हैं और तहखाने में मंदिर से जुड़ी चीजें ही हैं। तीसरा दावा है पत्रकार राम प्रसाद का, जिनको 1991-92 में ज्ञानवापी मस्जिद पर स्टोरी करने के लिए मस्जिद के अंदर जाने की इजाजत मिली थी। राम प्रसाद ने तहखाने में जो कुछ देखा था उस हिसाब से वहां टूटे फूटे मंदिर के अवशेष पड़े हुए थे। उसमें कुछ लंबे लंबे खंबे थे और पत्थरों पर कलाकृतियां बनी हुई थी। और अभी ताजा ताजा ज्ञानवापी से होकर आए वीडियोग्राफर विभाष दुबे भी इन दावों की पुष्टि कर रहे हैं। देखिए, मैंने जो अपनी नंगी आंखों से देखा कि वहाँ स्वास्तिक देखने को मिला, लोटस देखने को मिला, और जो शिलापट पे किनारे किनारे लड़ियाँ बनी होती हैं, फूलों की लड़ियाँ होती हैं, जो भी वो तो ज़्यादा जो एक्सपर्ट होंगे उससे रिलेटेड वही लोग बता पाएंगे। मतलब वो ऐसी कलाकृतियाँ दिख रही थी जो समझ में आ रहा था कि हिंदू धर्म से रिलेटेड है। वो सारी चीज़ें वहाँ जो भी शिलापट दिखा उसमें कुछ ना कुछ नक्काशी ज़रूर दिखी। जो बैरिकेटिंग हुई थी, बैरिकेटिंग के बीच में जो स्पेस था, स्पेस के बाद जो वॉल थी उस पे स्वास्तिक दिखा। सर्वे से पहले एबीपी न्यूज के रिपोर्टर अजय दुबे ने बीएचयू के बाहर मौजूद लोगों का मूड भी जाना। आक्रांताओं ने अगर मंदिर गिराया था तो क्या हमारी जनता से पूछ के गिराया था? हमारी जनता से तो पूछ के गिराया ने आक्रांताओं ने हमारे मंदिरों को, और साक्ष्य वहाँ विद्यमान है बाकायदा।
चाहते हैं कि उस तहखाने की जांच हो, अगर वहाँ हिंदू देवी देवताओं के साक्ष्य मिलते हैं तो मंदिर बनना चाहिए, लेकिन वैधानिक तरीके से। सर्वे कराने से दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मंदिर का पूरा विध्वंस का भाग पूरा सामने दिखलाई दे रहा था। ये तो भारत है जिसमें कितना लेट कर रहे हैं वैधानिक या दूसरे आधारों पर, नहीं तो सीधे गिरा के उसको मंदिर बनाना चाहिए था। अब कोर्ट पे हमको आस्था विश्वास बढ़ा है कि कोर्ट का निर्णय जो है वो न्यायोचित है और इससे जनता खुश है। जो सच है वो सच रहेगा, वहाँ मंदिर था उनको सर्वे करने देना चाहिए। ABP News आपको रखे आगे।